अब आपकी मुंह सुनेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सपना मैम, आपने बहुत ही अच्छे से मेरा वेलकम किया, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम अंजना है, मैं वाराणसी से हूँ और मैं मोस्टली बिहार से हूँ, पर मेरी शादी भी बिहार में ही हुई है। मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है जो कि 15 साल का है और छोटा बेटा जो कि 12 साल का है। और मैं ये बिजनेस मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ एज अ गिफ्ट। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक माँ की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट मिले जो वो हमेशा याद रखें। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी ईश्वर को जिन्होंने मुझे ये समझ पैदा की और मुझे ये बिजनेस समझ में आया। और मैं धन्यवाद करूंगी अपने मेंटोर मनोज दिया, संगीता भाभी और गुनिका जी को जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। ये बिजनेस मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है और जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जब मेरी मैरिज हुई थी उसके 2 साल बाद ही मेरी फैमिली लाइफ में बहुत हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो गए थे। मेरी एक बेटी थी जो कि 4 साल की थी और उसे एक हेल्थ इशू हो गया था जिसके कारण वो हम सबको छोड़कर चली गई। फिर उसके 6 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ इशू हुआ और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि लाइफ हाथों से छूटती चली जा रही है, सब कुछ लग रहा था खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। और उस वक्त शायद ही कुछ अच्छे कर्म होंगे जो उस परिस्थिति से हम बाहर निकल पाए, पर इन सब चीजों को संभालते संभालते मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे लोअर बॉडी उठ नहीं रही थी और उस टाइम जैसे लकवे जैसी स्थिति आ गई थी और डॉक्टर ने कहा था लाइफ टाइम आपको दवा खानी पड़ेगी। तो ये इस तरह से पूरी टाइम हमने हेल्थ को बहुत नजदीक से फेस किया। तो मेरे लिए ये समझ पाना बहुत आसान था कि हेल्थ हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि हम कितने ही पैसे वाले हों, कितना ही हमारे पास बड़ा घर हो, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ हो, पर हम हेल्थ नहीं खरीद सकते। तो ये हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ एमवे को मैं बहुत धन्यवाद करूंगी जिसकी प्रोडक्ट की वजह से मेरे हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड क्लास के जो प्रोडक्ट हैं उससे मेरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। और हेल्थ भी चूंकि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए और इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। दूसरा, मेरे हस्बैंड जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में है, वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता था, 3-4 घंटे आराम से मेरे पास फ्री होता था। पर मुझे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, मैं चाहती थी कुछ करूं पर कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, मेरा हेल्थ भी खराब ना हो और मैं अपने आप को इंगेज रख सकूं, क्योंकि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जहां मुझे घर से निकलना भी नहीं था, मैं फैमिली को देखते हुए फ्री टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती थी। तो ये दो बातें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट थी और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। इस बिजनेस के थ्रू मुझे इतने अच्छे मेंटोर मिले जिनको हम बोल सकते हैं एक रियल माता पिता जो कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो एक्चुअल में हमारे माता पिता होते हैं। और हमें गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, बल्कि गुरु तो भगवान से भी ऊपर है, तो वो हमें मिले। तो इस बिजनेस की इतनी बड़ी ब्यूटी है जिसकी वजह से, इस एसोसिएशन की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं अपने आप को पहचानने लगी, मेरी इनर ग्रोथ होने लगी, मेरा धीरे धीरे ड्रीम बिल्ड होने लगा, जो कि मैं इतने चैलेंजेस की वजह से मैं पूरी टूट चुकी थी, वहां मुझे वापस से एक नई जान मिली, मेरे ड्रीम बिल्ड होने लगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। हर इंसान के अलग अलग ड्रीम होते हैं, पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारे ड्रीम एक साथ पूरे हो सकते हैं। चाहे हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, चाहे हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, चाहे हम चाहते हैं कि हमारे पास लेगेसी इनकम हो, हम फ्रीडम को एंजॉय करें, रिकग्निशन, रिवार्ड्स, सब कुछ है। और मुझे भी यहाँ एक पहचान मिली, मैं अपने आप को जान पाई, मेरे अंदर की स्किल को मैं जान पाई। मैं एक हाउसवाइफ थी और शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं हाउसवाइफ ही बनकर रह जाती, पर इसने मेरे अंदर की क्वालिटी को एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये क्वालिटी
इस एसोसिएशन की वजह से बाहर निकली और उसकी वजह से मेरे फैमिली को भी वो प्राउड फील हो रहा है। तो इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर ड्रीम तो पूरे तब होंगे ना जब हम काम करेंगे, जब हम सीखने को तैयार होंगे, और मैं हर पल सीखने को तैयार थी। खिलाड़ी बनने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, गिरेंगे, चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, चौके छक्के भी लगेंगे और जीरो पर आउट भी हो जाएंगे। और यही सब हो रहा था मेरे साथ, यही हो रहा था इस प्लैटिनम की जर्नी में। मैं बताऊं, हर एक महीने, हर एक मंथ मेरे लिए नया चैलेंज लेकर आया, और हर चैलेंज ऐसा था कि मैं परेशान भी हो रही थी, पर मेरे अपलाइन हमेशा एक ही बात कहा करते थे, चैलेंज आ रहा है ना, खुश हो जाइए, क्योंकि इसी में आपकी ग्रोथ है, और जितने चैलेंज आएंगे वो हर बार आपको एक स्टेप ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। और आज मैं ये फील कर पा रही हूँ रियली वो हमारे अपलाइन की वो बातें ट्रू है, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से निकलना सीख गई, नए एक्सपीरियंस हुए मुझे, मैं लर्न करना सीख गई। जब रेस के मैदान में घोड़ा दौड़ता है तो मालिक उसे चाबुक से बार बार मारता है, उसे चोट लगती है, दर्द होता है, तकलीफ भी होती है, उसे पता भी नहीं होता है घोड़े को कि जीत क्या होती है, पर फिर भी वो अपने मालिक के चाबुक के कारण और दौड़ता है, और तेज दौड़ता है, और अंततः जीत जाता है। तो हमें भी चाहे गिरे, पड़े, उठे, जैसे भी हो, पर लगातार हमें सीखते रहना है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कर्म करते जाओ, भगवान ने भी कहा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और बस मैं वही सारी चीजें कर रही थी, मेरे अपलाइन मुझे जैसे बोल रहे थे मैं उनके पूरे सबमिशन में उनकी सारी चीजों को सिखाए हुए रास्ते पर चल रही थी। क्योंकि हमारे लाइफ हो या फिर बिजनेस, चैलेंजेस आते हैं और वो हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं। तो परिस्थितियां जो आती है ना वो कभी भी समस्या नहीं होती है। समस्या तो तब होती है जब हम उस परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं जानते, और परिस्थितियां इस हमें सिखाने ही आती है। तो बस हमें अपने आप पर, खुद पर पूरा विश्वास करना है, क्योंकि हम अपना कर्म करें और हमें अपने ऊपर विश्वास भी रखना होगा, क्योंकि विश्वास ही बहुत बड़ा एक टूल है, बहुत बड़ा पावर है। क्योंकि जिस दिन हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि हम कर सकते हैं, उस दिन से मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। पर यदि हम ही डाउटफुल रहेंगे, हमें लगेगा कि हम करें कि ना करें, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो रिजल्ट भी वैसे ही डाउटफुल होगा। तो हमें हमेशा तत्पर रहना है सीखने के लिए, काम करने के लिए। और मैंने ये सारी चीजें, ये क्वालिटी मैंने यही आकर सीखी है। मेरे अंदर ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर थी, पर मैंने यहाँ सीखा है, यहाँ लर्न किया है। तो हमें जिद्दी बनना है हर चीज को पाने के लिए, समय जो भी लगे। फेल्योर ही सबसे बड़ी सीढ़ी है सक्सेस की। हारेंगे तभी तो दोबारा से जीतने की तैयारी करेंगे और अच्छे से। तो बस मैं अंत में कुछ बोलना चाहूंगी, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बस कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर।